कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन से लेकर कई तरह के अलग अलग उपाय कर रहे हैं, जिसमें कई जिलों को राहत भी मिल रही है। इसी के चलते आज बड़नगर विधानसभा के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता उदय सिंह पंड्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर बात की। उनके और उनके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में पूछते हुए बड़नगरी गरीब और निर्धन जनता के बारे में पूछा और कहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और पंड्या से यह भी कहा कि आप कुशाभाव ठाकरे जी के समय के नेता हैं, आप इसका विशेष ध्यान रखें और कार्यकर्ताओं को भी इस विषय में निर्देशित करें। साथ ही जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदय सिंह पंड्या से फ़ोन पर चर्चा कर रहे थे, उस समय पंड्या अपने गृह ग्राम सोहर में थे। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। दिल्ली से फ़ोन आया था कि आप उदय सिंह पंड्या बोल रहे हैं क्या? मैंने कहाँ बोला कि प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कौन से प्रधानमंत्री? तो उन्होंने कहा दिल्ली वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। मैंने कहा ठीक कराओ भैया। फिर उन्होंने फिर पूछा कि आप उदय सिंह पंड्या बोल रहे हो क्या? मैंने कहा उदय सिंह पंड्या बोल रहे। फिर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं और करके उन्होंने उधर घंटी दी और फिर उधर से प्रधानमंत्री का जवाब आया कि पंड्या जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हम बोल रहा हूँ। कैसा है स्वास्थ्य आपका? मैंने कहा ठीक है साहब। आपके परिवार का? मैंने कहा वो भी सब सबका ठीक है साहब, आपकी कृपा बनी रहे। अरे हमारी कृपा क्या? जिन जनता की कृपा है वो गरीब व्यक्ति कोई भूखा तो नहीं सोया है, उसकी चिंता ले रहे हो क्या? जहाँ चिंता ले रहे हैं साहब, सब लोग लगे हुए हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, आप चिंता मत करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।